Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, last lectures में हमने identification of proteins की थी, proteins का qualitative analysis किया था, जिसमें हमने दो test किए थे, एक biuret test और दूसरा xanthoproteic test. अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जिसके लिए हमारा पहला टेस्ट है मॉलिश टेस्ट. मॉलिश टेस्ट हम यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और ये इसका जो नाम है, एक साइंटिस्ट था, बॉटनिस्ट था, उसके नाम पे है मॉलिश. मॉलिश टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे है जिसने डेवलप किया था, जिसने डिवाइस किया था. ये ट्राइओसिस और टेट्रोसिस के अलावा सारे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज करते हैं. ट्राइओसिस और टेट्रोसिस में फर्फ्यूरल नहीं बनता, इसलिए यूज नहीं करते. लास्ट में देखेंगे, जब हम केमिस्ट्री देखेंगे टेस्ट की, कि फर्फ्यूरल कैसे बनता है और इसकी बेस क्या है टेस्ट की. ये बेस करता है ऑन द डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो इसको डिहाइड्रेट कर देता है. अब इसके मॉलिश रीजेंट है क्या चीज. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 1% अल्फा नेफ्थोल इन एथानोल. अल्फा नेफ्थोल का एथानोल में 1% सॉल्यूशन बनाया हुआ है, जिसको मॉलिश रीजेंट कहते हैं. मटेरियल्स क्या चाहिए हमें. कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जिसकी हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और अल्फा नेफ्थोल चाहिए. ये अल्फा नेफ्थोल का फार्मूला है. इसके लिए हमें अपरेटस क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब, पाइपेट चाहिए, नंबर 3 पे ड्रॉपर की भी जरूरत है, 4 टेस्ट ट्यूब होल्डर और फिर बीकर चाहिए, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन रखना है. ड्रॉपर से हम इसमें डालेंगे मॉलिश रीजेंट और पाइपेट से हम मेजरमेंट करेंगे रीजेंट की, सल्फ्यूरिक एसिड की, कि हमें सल्फ्यूरिक एसिड कितने ml डालना है, कार्बोहाइड्रेट कितने ml डालना है. प्रोसीजर क्या है. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन लेते हैं 2 ml और उसमें 2 से 3 ड्रॉप मॉलिश रीजेंट के डाल देते हैं. कार्बोहाइड्रेट का सोल्यूशन 2 ml, 2 to 3 ड्रॉप्स ड्रॉपर के साथ हम डाल देंगे मॉलिश रीजेंट के. मॉलिश रीजेंट क्या है, 1% अल्फा नेफ्थोल इन एथानोल है. और इसके बाद हम पाइपेट से मेजरमेंट करके या मेजरिंग सिलेंडर ले लेंगे, 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब. अगर तो पर्पल कलर की रिंग बन जाए एट द इंटरफेस. इंटरफेस जब सल्फ्यूरिक एसिड और जो हमारे पास सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स का और मॉलिश रीजेंट का, उनके जंक्शन पे जहां मिलते हैं, अगर रिंग बन जाए पर्पल कलर की, इस कलर की इस तरह से रिंग बन जाए, तो इसका मतलब है ये कार्बोहाइड्रेट है, अदरवाइज ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है. इस टेस्ट की केमिस्ट्री क्या है. ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, हमने अल्फा डी ग्लूकोज लिया हुआ है. डी ग्लूकोज 6 कार्बन है इसमें, एक एंड पे CH2OH ग्रुप है और दूसरे एंड पे एल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी सारे के सारे OH लगे हैं हर कार्बन के साथ. ये एल्डोस है. एल्डोस मींस ऐसी शुगर है जिसमें एल्डिहाइड है. एल्डोस ओस शुगर के लिए यूज करते हैं. इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ये होती है अल्फा डी ग्लूकोज. अब जब हम इसमें एसिड डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. ये क्या करता है, ये CHO और CH2OH को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन ये चारों जो OH ग्रुप हैं, एक तो इनसे रिंग बना देता है, यानी ये जो ये वाला 5th वाला कार्बन है और ये 2 वाला कार्बन है, इसके OH आपस में मिलेंगे, वाटर निकल जाएगा तो रिंग क्लोज हो जाएगी. दूसरा, ये दूसरा कार्बन है और ये 5वां कार्बन है, ये OH और इसका OH आपस में मिलके वाटर बन जाएगा, OH और H, और एक O बच जाएगा, वो ये वाला O होगा. बाकी दरमियान में 2 OH बच गए हैं, तो ये 2 OH जो है डिहाइड्रेशन से H और OH, ये H और OH मिलकर क्या बना देंगे, पाई बांड बना देंगे, और डिहाइड्रेशन से ये प्रोडक्ट बन जाएगा 5-hydroxymethylfurfural. ये जो ब्लू में मैंने ग्रुप बनाया हुआ है CH2OH, CH2OH को हाइड्रोक्सी मिथाइल कहते हैं. ये एल्डिहाइड है, फर्फ्यूरल से पता चल रहा है ये एल्डिहाइड है. अब नेक्स्ट क्या होगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड ने इसको डिहाइड्रेट कर दिया कार्बोहाइड्रेट को, नेक्स्ट स्टेप में ये मिलेगा अल्फा नेफ्थोल से. अल्फा नेफ्थोल में ये जो
OH के पैरा पोजीशन पे H है, OH पैरा पोजीशन पे H है, OH पैरा पोजीशन पे H है, ये आपस में मिल जाते हैं और ये बन जाता है H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसका मतलब है ये रिंग और ये रिंग पैरा पोजीशन से इस कार्बन के साथ लिंक कर जाएगी जिसके साथ पहले ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। देखें ये वो कार्बन है जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच था, तो ऑक्सीजन निकल गया उसकी साथ, उसकी बजाय यहाँ पर जो OH के पैरा पोजीशन पे कार्बन था उसका H निकल गया है और ये अटैच कर गए। अब चूंकि मीडिया एसिडिक है, एसिडिक मीडिया में यहाँ पर ये वाला लोन पेयर ट्रांसफर होता है, ये यहाँ आ जाता है लोन पेयर, यहाँ बन जाता है डबल बॉन्ड, देखिएगा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला पाई बॉन्ड नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और इस तरह यहाँ से H निकल जाएगा। ये जो इसकी फॉर्म है, यहाँ से देखें ये H इधर जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पहुंच जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर देखें ये हाइड्रोजन जो है इसने निकलना है यहाँ से, ये H यहाँ गया, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, अब ये वाला डबल बॉन्ड नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड रिंग से बाहर शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारे पास एक डाई बन जाएगी पर्पल कलर की। और इस पर्पल कलर की डाई से ही हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी जो रिंग बनती है रिंग एक्चुअली इस कंपाउंड की होती है, इस डाई की होती है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।